लेकिन चलिए अब एक स्टॉक की बात कर लेते हैं जो कि आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दे सकता है अगर आप पोजीशंस बनाते हैं, तो रुक कर लेते हैं सुपर शेयर का। बताइए सुमित, आज का सुपर शेयर। शुक्रिया दीपाली, आज पेपर स्टॉक चुना गया है और एक अच्छी वैल्यू चुनी गई है, स्टार पेपर को चुना है। चुनने की वजह पहली चीज़ तो यही है कि साउंड वैल्यू है, 3.5 के मल्टीपल में महज ये शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि 52 रुपये की EPS है, यानी कि एक अच्छी वैल्यूज पूरे स्पेस में स्टॉक के अंदर दिखाई पड़ रही है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स को अगर आप देखें तो 5 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ा था YOY बेसिस पर, और Q3 में भी अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 2 से लेकर 3 गुने के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कंपनी में एक स्लाइटली डेट है, बहुत ज़्यादा डेट कंपनी के ऊपर है नहीं, और कैश फ्लोज काफी साउंड है, करीब 13.5 रुपए की कैश EPS है, एक अच्छी कैश EPS, एक अच्छी नॉर्मल मल्टीपल पे शेयर कामकाज करता हुआ, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की होल्डिंग है, और बाकी शेयर अगर बाकी पूरा सेक्टर देखें तो करीब 22 या फिर 19 के मल्टीपल के आसपास इस सेक्टर कामकाज करता है, यानी कि महज 3 के मल्टीपल पे पूरे सेक्टर कंपैरिजन में शेयर कामकाज कर रहा है, तो एक अच्छी वैल्यू है, और उस वैल्यू के आधार पर ही यहां पे खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। जो लक्ष्य है वो करीब 200 रुपए का है, यानी कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म 200 रुपए के टारगेट्स के लिए यहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। चलिए, तो ये काउंटर ऐसा है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं, इस पूरे स्पेस पर पेपर स्टॉक्स में आप नज़र रख सकते हैं। फिलहाल कुछ और ऐसे पॉकेट्स हैं जिसमें हमने इंटरेस्टिंग मूव देखा था, जैसे स्पिरिट स्टॉक्स हैं, उसमें हमने इंटरेस्टिंग मूव देखा था। एक दो सेशन पहले तक हमने टबेको स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा था, रेलवे रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसमें हमने अच्छा मूव देखा था। ये इस तरह के पॉकेट्स हैं जहाँ पर मूव ठीक ठाक देखने को मिला है, तो ओनली प्रॉब्लम इज कि सस्टेन बहुत ज़्यादा शायद किया नहीं है इन्होंने। लेकिन हेमंत, अब BHEL पर आपका व्यू क्या है? देखिए मीर, जहां तक BHEL की बात रह गई है, मैं इस स्टॉक से थोड़ा सा अवॉइड की ही सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी स्टॉक में रोल ओवर्स होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि स्टॉक बहुत बॉटम के करीब आ चुका है, मुझे नहीं लगता स्टॉक 115 के नीचे जाने वाला है, लेकिन अगर हम ट्रेडर साइड से देखें, रोल ओवर्स नहीं हो रहे तो बहुत अच्छा मूव हाथ में आ जाएगा या अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट देखने को मिलेगा, वो मुश्किल लग रहा है मेरे को। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हैं या आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो 115 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मुझे लग रहा है स्टॉक बॉटम के बिल्कुल आसपास है, तो यू मे एक्सपेक्टेड टू मूव टूवर्ड्स 126, बट बहुत अच्छा मूव आएगा ऐसा मुझे रोल ओवर डेटा से सजेस्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन IT शेयर्स को क्या पिक कर सकते हैं जनवरी सीरीज के लिए हेमंत? फॉर इंस्टेंस मैं टाटा एलेक्साई को भी यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी। हमने 1450-1500 के लेवल से करेक्शन स्टॉक में देखी, इसने 2 सेशंस में रिकवरी दिखाई है, और जो डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस शायद यहाँ से और स्ट्रेच हो। आपका व्यू क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि निफ्टी IT इंडेक्स जो है वो एक तरह से बैंकिंग को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, और उसका एक रीज़न रुपी डॉलर इक्वेशन भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से रोल ओवर्स IT में इनकरेजिंग है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, और निफ्टी IT इंडेक्स इटसेल्फ मुझे 10,400 का लेवल टेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, और इसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 10,170 का। विद इन दी IT स्पेस मुझे जो रोल ओवर्स हैं उसके हिसाब से HCL टेक, इन्फोसिस, ये दोनों ही इंकरेजिंग लग रहे हैं। HCL टेक मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हेडिंग टूवर्ड्स 840-845, और इन्फोसिस भी आपका 1020-1025 का लेवल देख सकता है। तो IT एज अ स्पेस इज शोइंग गुड रोल ओवर्स। अब प्रेफरेंस आप देना चाहें तो मेरे हिसाब से HCL टेक या इन्फोसिस में से एक स्टॉक चूज कर सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप, आपने ये जो अर्निंग्स की बात कही थी, कमिंग बैक टू दैट, अब हो सकता है कि ये क्वार्टर तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक निकल जाए। जो रियल इम्पैक्ट होगा डीमोनेटाइजेशन का ऑन कंजम्पशन, वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करेगा शायद Q4 में। इसका लीस्ट इम्पैक्ट आपको कहाँ पर लग रहा है विद इन कंजम्पशन स्पेस? लीस्ट इम्पैक्ट अगर देखे जाए तो आई थिंक वाइट गुड सेक्टर और कंजम्पशन से रिलेटेड जो स्टोरीज है, आई थिंक वो सबसे पहले मूव हो सकती है, क्योंकि मेरा ये मानना है जैसे ही पब्लिक एट ए लार्ज में सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पॉजिटिव आना शुरू हुआ, तो लोगों की कंजम्पशन डिमांड जो कि प्रॉबेबली थोड़ी डेफर हो रखी थी या उन्होंने रोक रखी थी किसी वजह से फॉर ए सेफ्टी फैक्टर, प्रॉबेबली वो निकल के आएगी। तो कंज्यूमेबल्स में यू नो वाइट गुड सेक्टर एज वेल एज कंजम्पशन स्टोरीज जो चलती है नॉर्मली,
उनमें आई थिंक डिमांड इस पर होने के चांसेस सबसे पहले नजर आएंगे। साथ ही फार्मा को लेकर क्या अभी अप्रोच इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए मिस्टर गुप्ता, क्योंकि वापस से यूके रेगुलेटर हो या फिर यूएस रेगुलेटर हो? फार्मा लॉन्ग टर्म के लिए ऑलवेज गुड बेट रहा है और रहेगा। आई थिंक इंटरमीडिएटली बीच बीच में कंपनियों में जो भी यू नो रेगुलेशन से रिलेटेड और रेगुलेटरी हर्डल्स आती हैं, जिस तरह से आती हैं उसको फेस करके जो कुछ एक अच्छी कंपनियां हैं, आई थिंक वो पॉजिटिवली लेके उसको अपने यहाँ जो कमियां उनको या तो ठीक करती हैं या हो सकता है कमियां नहीं है, खाली उनको प्रेजेंटेशन की डिफरेंट वे में प्रेजेंटेशन का मौका मिल जाता है और वो प्रेजेंटेशन करके क्लीन करके आगे बढ़ती हैं। तो आई थिंक ये सेक्टर ऐसा है जब भी इसमें थोड़ी सी कमी हुई तो अच्छी कंपनियां जो अच्छे बिजनेसेस में हैं और जिनके प्रमोटिंग और प्रमोटर्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, आई थिंक उन कंपनियों में डेफिनेटली एक मुद्दा बनता है एंटर करने का। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर गुप्ता और हेमंत आपका भी शो में शामिल होने के लिए और अपने व्यूज मार्केट्स पर और सभी स्टॉक्स पर शेयर करने के लिए।